हेलो फ्रेंड्स, शेंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम कच्चे आलू से एकदम चटपटा और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे, जिसे आप हल्की फुल्की भूख में बना के खा सकते हैं या शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 कच्चे आलू लिए थे, इनको मैंने पील कर पानी में डाल लिया है, जिससे हमारे आलू है वो काले ना हो जाए। सबसे पहले हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। तीनों आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अभी हम इसके अंदर वेजिटेबल डालेंगे। मैंने एक छोटे साइज का प्याज लिया, इसको बारीक चॉप करके ले लिया है, वो डाल देंगे। एक मैंने टमाटर लिया है छोटे साइज का, उसके मैंने बीज निकाल दिए हैं और बारीक चॉप कर लिया है। और एक मैंने शिमला मिर्च लिया है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप इसमें फ्रेंड्स कोई भी वेजिटेबल का यूज कर सकते हैं, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप वेजिटेबल को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था और 5-6 कलियां मैंने लहसुन की ली थी, इनको मैंने कद्दूकस करके ले लिया फ्रेंड्स, वो डाल देंगे। यदि आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं। अभी हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। स्वादानुसार नमक, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। मिर्ची को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। एक छोटा चम्मच हम नींबू का रस डालेंगे। आप इसकी जगह पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या चाट मसाले का यूज कर सकते हैं। आधा कप हम इसमें सूजी डालेंगे और ये सूजी डालने से नाश्ते में एकदम कुरकुरापन आएगा और क्रिस्पी बनेगा हमारा नाश्ता। आधा कप बेसन लेंगे, ये बाइंडिंग का काम करेगा। सब चीजों को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, हमें इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि आलू में काफ़ी मात्रा में पानी होता है, उस पानी से ही ये मिक्सचर अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसे रेस्ट पर 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं कि सूजी और बेसन अच्छे से फूल जाए। लगभग 15 मिनट हो गए हैं, सूजी और बेसन अच्छे से फूल गया है, हमारा मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है। जिस बर्तन में हम बनाएंगे उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर मिक्सचर डाल देंगे। चम्मच से हम इसे चारों तरफ से सेट कर लेंगे। अब मैंने इसको चारों तरफ से बराबर कर लिया है। अभी हम इसे स्टीम करेंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है फ्रेंड्स, उसके अंदर 2 ग्लास पानी डालकर गर्म कर लिया है और बीच में एक स्टैंड रख दिया है, उसके ऊपर रख देंगे हम। अभी हम इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पका लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेंगे। टूथपिक लेंगे और सेंटर में डाल के देखेंगे, देखिए बिल्कुल क्लीन है। अभी हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। अभी ठंडा हो गया है। अभी आप नाइफ से ऐसे इसके किनारियों को नाइफ से थोड़ा सा ढीला कर लीजिए। अभी हम एक प्लेट लेंगे, इसको उल्टा करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा टैप करेंगे। अभी हम इसमें कट लगाएंगे। मैं इसे स्क्वेयर पीसेस में कट कर रही हूं। देखिए ये बिल्कुल तैयार है। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्हें किसी भी एयर टाइट बॉक्स में भरकर फ्रिजर में 7 दिनों तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आपका जब भी मन करे आप इसे निकालकर फ्राई करके खा सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई कर लीजिए या आप इन्हें सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इन्हें सेलो फ्राई कर रही हूँ। तेल है मीडियम गर्म हो गया है और फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। अभी हम एक एक पीस करके इसके अंदर डाल देंगे और अभी हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। लगभग 3 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, पलट लेंगे इनको। देखिए पीछे से अच्छा सा कलर आ गया है। अभी हम नीचे की तरफ भी इन्हें लगभग 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, पलट लेते हैं।
देखिए दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारा क्रिस्पी और हेल्दी नाश्ता बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यदि आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मेरी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, बाय बाय।